हेलो गाइस। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, वेस्ट बंगाल बोर्ड के सारे स्कूलों का, वेस्ट बंगाल बोर्ड की तरफ से स्कूल क्लोजिंग का पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, देख लो यहाँ पे, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दे आई है, डिक्लेयरिंग द प्रीपोनमेंट ऑफ द समर वैकेशन। समर वैकेशन मोस्टली मिड ऑफ द मई के बाद ही होता है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो भी ऑर्डर दिया है, वो लोग बोल रहे हैं कि सेकेंड ऑफ मई से हम लोग का स्कूल का, चाहे वो 10th हो, 12th हो, सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो, मोस्ट प्रॉब्ली कॉलेजेस का भी, जितना भी कॉलेजेस है, स्कूल है, सेकेंड मई से बंद हो जाएगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है कि उसका रीओपनिंग जो है वो भी जब तक फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आएगा, स्कूल बंद रहेगा बिकॉज ऑफ द हीट वेव। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो, समर वैकेशन इज डिक्लेयर्ड इन स्कूल ड्यू टू द हीट वेव एंड प्रिवेलिंग सिचुएशन ऑन एंड फ्रॉम द सेकेंड मे। तो सेकेंड मे से हमारा समर वैकेशन स्टार्ट होगा, अंटिल फर्दर इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट फॉर द स्कूल हिल एरियाज ऑफ दार्जिलिंग एंड कलिंगो। कि जितना भी स्कूल है वो बंद होगा सेकेंड मे को, और वो तब तक नहीं खुलेगा जब तक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आता है। तब तक स्कूल कॉलेजेस 10th 12th सारे बंद रहेंगे। एंड जो दार्जिलिंग वगैरह है, जहां पे हिली रीजन है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता नहीं, तो वहां का खुला रहेगा। तो घर पे रहो, स्वस्थ रहो, जितना पानी पी सकते हो भाई पियो, क्योंकि अभी पानी बहुत रिक्वायर्ड है। थैंक यू।